एंड वेलकम टू येलो मस्टर्ड चैनल। आज की रेसिपी है ऑथेंटिक इंडियन करी, जिसे हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में। करी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, दही, दो छोटे प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 5 फोरन और हींग। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में 2 बड़े चम्मच बेसन लेंगे, 2 छोटी कटोरी दही लेंगे और उसे हम पीस लेंगे। इसमें 1 छोटी गिलास हम पानी डालेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब प्याज और लहसुन को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। गरम कर लेंगे, उसमें जाएगा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, हींग छोटा चम्मच 5 फोरन, 1 सूखी लाल मिर्च, कटे हुए लहसुन और उसे हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें जाएगा प्याज, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए। जब बन जाएगा तो हम आंच को लो पे कर देंगे और उसमें सारे मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 थोड़ा पानी डालेंगे और फिर मसाले को धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक कि मसाले में से तेल ना छोड़ दे। मसाला भुन जाने के बाद हम उसमें दही और बेसन का पेस्ट डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि उसमें कोई गांठ ना बैठे। ग्रेवी को हम लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी थिक ना हो जाए। हमारी बिहारी स्टाइल करी तैयार हो चुकी है।